हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आप लोगों को परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे जो कैम्यूलस है स्पॉन्जेज के अंदर आप लोगों को वो एल्कोहल सीरीज के द्वारा किस तरीके से गुजार के परमानेंट स्लाइड वगैरह हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये एल्कोहल सीरीज वगैरह है, DPX रखा हुआ है, वो ये वॉच ग्लास वगैरह रखे हुए हैं, एंड आप लोगों के पैटेड रिसर्च वगैरह रखी हुई है। ठीक है, एंड आप लोगों के जो डिस्टिल वाटर है, एंड जो आप लोगों का पर्टिकुलर जिसका स्पेसिमेन का हमें जो परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन करनी है, ये आप लोगों के स्पॉन्जेज के अंदर देखो ये गैम्यूलस वगैरह है। ठीक है, ये अभी जस्ट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस प्रकार से हम लोग परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे, एंड आप लोगों के एल्कोहल सीरीज के अंदर भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट्स वगैरह हैं आप लोगों के, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है सारी चीज़ें विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसके अंदर आप लोग स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे स्लाइड को। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्कोहल सीरीज के बारे में। तो एल्कोहल यानी इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। तो इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोग बात करें इसके अंदर आप लोगों के 30% ये एल्कोहल सीरीज होती है ना, एल्कोहल सीरीज के अंदर हम लोग ये आप लोग देख पा रहे हो एल्कोहल सीरीज वगैरह ये। ठीक है, तो एल्कोहल सीरीज के अंदर सबसे पहले होगी आप लोगों के 30% एल्कोहल वगैरह। ठीक है, तो 30% इसके अंदर मिल जाएगा आप लोगों को एल्कोहल सीरीज, ये सारी अरेंजमेंट कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 30% एल्कोहल वगैरह हो गया। ठीक है, 30% के बाद में आप लोगों को इसी के अंदर मिल जाएगी, यानी कि सारी चीज़ें इसी के अंदर रखी हुई है, लिखी हुई है। ये आप लोगों का इसके अंदर कांच वाली बोतल के अंदर ये 30% वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर भी लिखा हुआ है। 30 के बाद में 50%, तो 50% ये वाला पार्ट वगैरह हो गया, 50% आप लोगों के एल्कोहल वगैरह। 50 के बाद में है आप लोगों के ये इसके अंदर भी 50 वाला पार्ट वगैरह। ठीक है, ये 50% एल्कोहल वगैरह। फिर उसके बाद में आप लोगों के आएगा 70% एल्कोहल, यानी कि 70% एल्कोहल वगैरह आप लोगों के ये वाला पार्ट वगैरह हो गया 70% एल्कोहल वगैरह। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट आप लोगों के 70% एल्कोहल के बाद में इसी के अंदर भी ये 70% एल्कोहल वगैरह ये लिखा हुआ है इसके अंदर, एंड उसके बाद में है आप लोगों के 90% एल्कोहल, ये 90% एल्कोहल लिखा हुआ है इसी के अंदर भी 90% एल्कोहल वगैरह इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 90% एल्कोहल वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में आप लोगों के 100% एल्कोहल है। ठीक है, एंड आप लोगों के इयोशीन, ये इयोशीन वगैरह इधर है, इयोशीन के बाद में आप लोगों के जाइलीन वाला पार्ट वगैरह, ये जाइलीन वगैरह है इसके अंदर, एंड DPX रिक्वायरमेंट वगैरह होता है आप लोगों के, तो ये DPX वगैरह इस तरीके से आप लोग क्लियरली अच्छे से देख सकते हो इसको। ये DPX वगैरह आप लोगों को अच्छी तरीके से देख सकते हो इसके अंदर, DPX वगैरह, DPX की भी आवश्यकता वगैरह पड़ती है इसके अंदर। ये DPX वगैरह है आप लोगों के पर्टिकुलर, एंड इसके बाद में हम बात करें पर्टिकुलर जो आप लोगों को क्या आवश्यकता होती है ये कवर स्लिप वगैरह की, एंड आप लोगों को जनरली जो स्लाइड्स वगैरह हैं स्लाइड की आवश्यकता वगैरह पड़ती है, ये बैटरी डिस्क वगैरह है। ठीक है, बैटरी डिस्क है, एंड ये वॉच ग्लासेस वगैरह है। ठीक है, ये वॉच ग्लास वगैरह है, आप लोग ये वॉच ग्लास रखे हुए हैं, एंड आप लोगों को पर्टिकुलर जो स्पेसिमेंस है जिसकी हमें स्लाइड वगैरह बनानी है, तो ये स्पॉन्जेज है। ठीक है, स्पॉन्जेज के अंदर गैम्यूलस जो जूलॉजी का मटेरियल वगैरह है वो हम लोगों को डिस्कस कर किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं परमानेंट स्लाइड वगैरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जस्ट हम लोगों को जनरली क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर पर्टिकुलर हम बात करें कि स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, हम लोगों को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर पर्टिकुलर। ये आप लोगों के जियोलॉजी की जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है ये इस तरीके से आप लोगों के पर्टिकुलर इसके अंदर जो स्पेसिमेंस हमारे जो दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो इसके अंदर ये स्पॉन्जेज के अंदर प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा हम लोगों को जनरली। सबसे पहले इसके अंदर करना पड़ेगा हम लोगों को जो मटेरियल है हमारा ये वाला। ठीक है, इस मटेरियल को क्या करेंगे एक वॉच क्लास के अंदर डालेंगे। ठीक है, इस वॉच क्लास के अंदर हम लोगों को जनरली ये डालना है, तो इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, आप लोग जनरली देख सकते हैं इसको खोल के, और फिर बाद में हम लोगों को पर्टिकुलर ये डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डालते हैं आप लोगों को ड्रॉपर की सहायता से इसको डालना है। ठीक है, ये ड्रॉपर की सहायता से हम लोग इसके अंदर से लेंगे और फिर बाद में इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये ड्रॉपर की सहायता से डाल सकते हैं, एंड आप लोगों को इक्विपमेंट्स वगैरह की क्या क्या आवश्यकता होती है, जो भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आप लोगों को, ब्रश हुई, नीडल हुई, या फिर बाद में आप लोगों के जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह हो, ब्रश हो, फोर्सेप्स वगैरह हो, सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायरमेंट वगैरह इसके अंदर चाहिए होती है। तो हम लोग मटेरियल को डाल देते हैं इसके अंदर।
ये पर्टिकुलर हम लोगों ने मटेरियल था वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ब्लैक ब्लैक से डॉट से लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही होगी अच्छे से क्लियरली, आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक सी जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है, ये ग्यूमलस है इसके अंदर स्पेसिमेंस वगैरह। फिर इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे एल्कोहल सीरीज से गुजरेंगे। अब देखो एल्कोहल सीरीज किस तरीके से गुजारनी है हम लोगों को, एल्कोहल सीरीज के अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 30% एल्कोहल डालना पड़ेगा। 30% एल्कोहल डाल के फिर उसके अंदर हम लोग जैसे 30% एल्कोहल कितना मात्रा में डालना है सफिशियंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 से 10 एक बूंद हम लोग डाल सकते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो हमारा ये स्पेसिमेंस वगैरह है इसको ब्रश की सहायता से इसके अंदर वॉच ग्लास के अंदर दूसरे में डाल देंगे, ठीक है। फिर डालने के बाद में इसको क्या करेंगे, ये दूसरा वॉच ग्लास है उसकी सहायता से कवर्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी करते हैं इसी के अंदर एल्कोहल डाल के, ये ऐसे मान लो पर्टिकुलर हम लोगों ने 30% एल्कोहल डाला इसके अंदर, ठीक है। ये 30% एल्कोहल है, 30% एल्कोहल डालने के बाद में ये 30% एल्कोहल इसके अंदर ये मात्रा के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये मात्रा में डाल दिया इसके अंदर 30% एल्कोहल। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो इस पे हमारे पास में जो ये मटेरियल है, इस मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो ड्रॉपर है ड्रॉपर की सहायता से हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जितनी आप लोगों को 2 बनाने हैं या 3 बनाने हैं, इसमें मान लो कि हम लोगों ने 2-3 इसके अंदर स्पेसिमेंस वगैरह ये डाल दिए, ठीक है। फिर डालने के बाद में क्या करना है पर्टिकुलर इसको, कि जैसे ये एल्कोहल सीरीज वगैरह चल रही है तो इसको कवर कर देना है इससे ऊपर से, ठीक है। ऊपर से कवर कर देंगे हम लोग पर्टिकुलर इस तरीके से, इसको कवर्ड कर देंगे। कवर्ड करने के बाद में हम लोगों को 5 मिनट तक रखना है इसको, ठीक है। 5 मिनट तक रखेंगे इसको, 5 मिनट तक रखने के बाद में इसको क्या करना है पर्टिकुलर, ये वॉच ग्लास से अगर ढक दिया था हम लोगों ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्कोहल वगैरह वो उड़ नहीं जाए, इस वजह से दूसरे वॉच ग्लास की सहायता से इसको ढक के रखते। अब इसको हटाएंगे, सेपरेट करेंगे, ये हटा दिया। हटाने के बाद में 5 मिनट तक रखा है हमें, सभी को 5-5 मिनट तक चलता रहेगा, यानी कि 30%, फिर 30 के बाद में 50%, 50 के बाद में फिर आप लोगों को 70 के बाद में ईओसिन डालनी है। ईओसिन को आप लोगों को कितने मिनट तक रखना है, कम से कम 3 मिनट तक रखना है। फिर उसके बाद में 90% डालेंगे, 90% के बाद में वही 5 मिनट तक रखना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद में क्या करोगे, 100% डालना है, 100% के बाद में आप लोगों को दोबारा से 100% डालना पड़ेगा, ठीक है। वही 5-5 मिनट तक सिस्टम चलेगा। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाइलिन वगैरह डालना पड़ेगा। और आप लोगों ये फिल्टर पेपर वगैरह है, ठीक है, ये फिल्टर पेपर वगैरह, तो ये फिल्टर पेपर वगैरह भी यूज में लेना पड़ेगा इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, ठीक है, जो एल्कोहल वगैरह। इसके बाद में इसको पर्टिकुलर को क्या करेंगे, ये ब्रश की सहायता से इसको साइड में कर लेंगे, एंड ये पर्टिकुलर जो भी पार्ट वगैरह ये इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे एल्कोहल वगैरह को, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब करवा के ये इस तरीके से 5 मिनट तक रखने के बाद में ये इस तरीके से ये डाल दिया। फिर उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर इसके अंदर 50% वगैरह डालेंगे, ठीक है। 50% डालेंगे, इसके एल्कोहल की मात्रा पूरी को ऑब्जर्व करवा लेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से। ये फिल्टर पेपर वगैरह यूज में ले सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इस पर्टिकुलर एल्कोहल वगैरह को, ठीक है। फिर उसके बाद में साइड में ये रख देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसी के अंदर, कि जो 50% है आप लोगों का, ये 50%, ये तो 30 था, ये 50%, तो 50% इसके अंदर डालना पड़ेगा। ये 50% है, 50% इसके अंदर ये पर्टिकुलर ये डाल दिया, ठीक है। और स्पेसिमेंस वगैरह इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व वगैरह हो जाए, एल्कोहल की मात्रा प्रॉपरली मिल जाए। फिर उसके बाद में ये वॉच ग्लास वगैरह है हमारा, तो वॉच ग्लास की सहायता से इसको क्या कर देंगे, कवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिर 5 मिनट तक रखना है इसको पर्टिकुलर को, फिर दोबारा से ये पेट्रेटिस वगैरह इसके अंदर डाल देने हैं हम लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है। तो 5 मिनट तक रखते हैं ये हटा के, और इसको क्या है कि सेपरेट कर दिया है हम लोगों ने पर्टिकुलर को, ये जो इसके अंदर था इसको फिल्टर पेपर की सहायता से इसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, यानी कि जो भी एल्कोहल वगैरह था इस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। पर्टिकुलर स्पेसिमेंस वगैरह वो तो साइड के अंदर रहेगी, ये एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये साइड में रख दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, 70% एल्कोहल डालना है, ठीक है। तो ये 70% एल्कोहल वगैरह आप लोगों का ये 70% एल्कोहल आप लोगों का पर्टिकुलर, तो 70% एल्कोहल वगैरह इसके अंदर डाल दिया। क्या इसके अंदर से भी डाल सकते हैं ये वाला 70% जो एल्कोहल वगैरह। उसके बाद में जनरली क्या करना पड़ेगा इसको, वही प्रोसेस वगैरह रहेगी, वॉच ग्लास से ढक देंगे। वॉच ग्लास से ढक दिया, ढकने के बाद में क्या होगा, 5 मिनट तक रखना है, तो 5 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे इसके अंदर वॉच के, ठीक है। 5 मिनट हो गई है, तो 5 मिनट के बाद में इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे और इस वाले पार्ट वगैरह को क्या करेंगे प्रॉपरली, 5 मिनट होने के बाद में जस्ट
इस तरीके से इसको पर्टिकुलर रेल गोल को साइड में कर दोगे, दूसरे पे जो आप लोगों की वॉच ग्लास हो या पेट्रीडिस वगैरह। अब इस तरीके से ये स्पेसिमेन रहे, आप लोगों का जो फिल्टर पेपर है उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्व करवाएंगे। ये आप लोगों का फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग इसको एब्जॉर्व करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पर्टिकुलर इसको जो एल्कोहल वगैरह है इसको एब्जॉर्व कर लेगा, इस तरीके से ये एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 70 हो गए ना, 70 के बाद में ईओसिन डालना। देखो ईओसिन कितनी मात्रा में, ओनली फॉर वन ड्रॉप ही डालना है। ये पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, इनके ऊपर वन ड्रॉप ओनली फॉर, ये सफिशियंट है वन ड्रॉप। क्योंकि इसके अंदर जनरली क्या होता है कि ईओसिन के अंदर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो आप लोगों को क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा अभिरंजित होता है, ज़्यादा स्टेनिंग हो जाती है उसके अंदर। पर्टिकुलर जो स्पेसिमेन दिखना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख पाता है, इस वजह से क्या है कि इसके अंदर प्रॉपरली वन ड्रॉप काफ़ी है, सफिशियंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अभिरंजित होने दीजिए, इसको सफिशियंट हम लोगों को लगभग 3 मिनट तक रखना है इसको, ठीक है। ये 3 मिनट हो गई है हमारी, इसके बाद में हम लोगों को पर्टिकुलर क्या करना है कि इसके अंदर 3 मिनट का समय था वो 3 मिनट के बाद में जस्ट मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से करना है। आप लोगों को टाइमिंग पीरियड जो बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसको पर्टिकुलर को क्या करेंगे, इसको डिस्टिल वाटर की सहायता से वॉश करेंगे। ये डिस्टिल वाटर है आप लोगों का, ठीक है। तो इस डिस्टिल वाटर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों इसके अंदर डिस्टिल वाटर की सहायता से वॉश कर सकते हो, इसको डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में है मेट इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो आप लोगों का पेट्री डिश है इसके अंदर डालेंगे, केयरफुली डालना है आप लोगों को। ब्रश की सहायता से साइड में कर सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल है उसको ब्रश की सहायता से हम लोग साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर स्पेसिमेंस वगैरह जाना नहीं चाहिए। ये डाल दिया इसके अंदर, फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको हल्का सा और वॉश कर लीजिए आप लोग, ये जो भी बचा हुआ है पार्ट वगैरह, ठीक है। ये फिर उसके बाद में इसको सेपरेट तो साइड में कर ही दिए, जो पर्टिकुलर स्पेसिमेंस वगैरह है। इसके बाद में क्या करना है, जनरली हमारे पास में ये इस तरीके से बच गया है मटेरियल वगैरह, ठीक है। इस मटेरियल वगैरह को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हम लोगों को इस तरीके से ये साइड में तो सेपरेट कर ही दिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट वगैरह। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से साफ कर लेंगे। ये फिल्टर पेपर है हमारा, तो इसकी सहायता से इसको क्या कर लेंगे, अब्जॉर्व करवा लेंगे चारों तरफ से, ठीक है, साफ कर लेंगे। ये आप लोगों को डॉट डॉट सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, स्पेसिमेंस वगैरह, गेमलेस वगैरह, ये ब्लैक ब्लैक से जो दिख रहे हैं ये गेमलेस वगैरह है, ठीक है। इसको साफ कर लिया, वॉश कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरली इस तरीके से ऑब्जर्व करवा सकते हो आप लोग, ये साइड के अंदर कर दीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में तैयार है। पर अब इसको क्या करना पड़ेगा, 90% एल्कोहल डालना है इसके अंदर जनरली, ठीक है। 90% ये आप लोगों का एल्कोहल वगैरह 90%, तो ये 90% एल्कोहल वगैरह डाल दीजिए। और ज़्यादातर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपरली डालना पड़ेगा इसके अंदर, अच्छे से ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये 90% एल्कोहल डाल दिया, 90% एल्कोहल डालने के बाद में ये वापस से वही कवरिंग वगैरह करनी है हम लोगों को, कवरिंग कर दी। अब 5 मिनट तक वेट करना है इसके अंदर, 5 मिनट के बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। इसको सेपरेट कर देंगे, साइड के अंदर हटा देंगे, और इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली इस जो एल्कोहल वगैरह है इसको वापस से इसी के अंदर इस तरीके से डाल देंगे, फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जनरली इसके अंदर जो आप लोगों का फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर लीजिए और उसकी सहायता से फिर बाद में इसको एब्जॉर्व करवाइए। ये एब्जॉर्व करवा देना है इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को 100% डालना है, ठीक है। तो 100% हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है।
ये आप लोगों का जो 100% है, तो ये 100% इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 100% पर्टिकुलर हम लोगों ने इस तरीके से डाल दिया इसके अंदर, ये 100% आप लोगों ने, या फिर इसमें से भी ये 100% वगैरह आप लोग ले सकते हो, ये वाला 100%। इस तरीके से हम लोग डाल देना, वही कवर्स कवर कर देना है इसको, दूसरे वो ये वॉच ग्लास वगैरह, ठीक है। उसके से ये एल्कोहल सीरीज वगैरह चल रही है हमारी, 5 मिनट तक रखना है। अब 5 मिनट के बाद में पर्टिकुलर इसको क्या कर देना है कि सेपरेट कर देना है साइड के अंदर, 5 मिनट के बाद में सेपरेट कर देना है, ठीक है। ये सेपरेट कर दिया, फिर वही फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे इसको पर्टिकुलर को, ठीक है। एब्जॉर्ब करवा देंगे इस तरीके से, वही प्रोसेस वगैरह चलेगी आप लोगों को, 100% डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। दोबारा से 100% इसके अंदर डालेंगे हम लोग, 100% ये डाल दिया इस तरीके से इसके अंदर, 100% डाल दिया। 100% डालने के बाद में इसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर को इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद में इसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट रखने के बाद में इसको प्रॉपरली सेपरेट कर देंगे, तो ये 5 मिनट आप लोगों की हो गई है, ठीक है। 5 मिनट के बाद में प्रॉपरली इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं एल्कोहल वगैरह को इस तरीके से। सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद में इसको प्रॉपर्ली वही फिल्टर पेपर से गुजारना है, फिल्टर पेपर के एब्जॉर्ब कर लेगा इसको पर्टिकुलर इस तरीके से, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में साइड में कर देंगे इसको, एंड आप लोगों को ये 100% गुजरेगी। इसके बाद में क्या डालना है, जाइलिन वाला पार्ट आएगा, तो जाइलिन वगैरह इसके अंदर डालेंगे प्रॉपर्ली हम लोग इस तरीके से। ये जाइलिन वगैरह होती है आप लोगों के, तो जाइलिन इसके अंदर प्रॉपर्ली डाल देना है, ठीक है। तो ये जाइलिन वगैरह इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो जाइलिन डालने के बाद में हम लोगों को लगभग 3 मिनट तक इसके अंदर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3 मिनट तक रखेंगे और वही अपन लोगों को क्या कर देना है, कवर कर देना है इस तरीके से। कवर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रख सकते हो, कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली वही अपनी 3 मिनट तक, 3 मिनट के बाद में प्रॉपर्ली इसको सेपरेट कर देना है। ये 3 मिनट के बाद में इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। इसको साइड में सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दिया, ठीक है। सेपरेट करने के बाद में प्रॉपर्ली इसको क्या करना, ये सेपरेट कर दिया इस तरीके से। फिर उसके बाद में वही फिल्टर पेपर से क्या करवा लेंगे, एब्जॉर्ब करवा लेंगे इसको। इस तरीके से ये पार्ट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन चलेगा इसके अंदर, ये पर्टिकुलर स्पेसिमेंट्स वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा पर्टिकुलर इसके अंदर, आप लोगों को अब चाहिए होगी हमें, एक तो स्लाइड चाहिए होगी, ठीक है। ये स्लाइड वगैरह चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट वगैरह, ये स्लाइड वगैरह इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्लाइड चाहिए होगी, कवर स्लिप चाहिए होगी आप लोगों को, ये कवर स्लिप इस तरीके से, कवर स्लिप वगैरह। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रश की सहायता से इसके ऊपर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को DPX वगैरह चाहिए होगा, ये DPX है हमारा, तो ये DPX वगैरह हम लोग नीडल की सहायता से ले लेंगे, ठीक है। फिर ये DPX वगैरह चाहिए होगा, अब इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, ब्रश की सहायता से इसके ऊपर लेना है पर्टिकुलर हम लोगों को, और माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब नीडल की इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको ले लेते ब्रश की सहायता से इसके ऊपर, ये ब्रश की सहायता से इसको प्रॉपरली ले लिए इसके अंदर ऊपर, ठीक है। ये स्पेसिमेंट्स वगैरह इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ब्लैक ब्लैक सा लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी इसके अंदर, हल्का सा ब्लैक इस टाइप का। ये देखो हल्का सा ब्लैक इस टाइप का डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही होगी इसके अंदर। फिर इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर DPX वगैरह डालेंगे, ठीक है। ये देखो ये हल्की सी डॉट लोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये गेमुलस है। अब इसके ऊपर क्या डालेंगे, DPX डालेंगे, ठीक है। ये DPX है, DPX को लेके और नीडल की सहायता से इसके ऊपर DPX डालेंगे। अब इसके अंदर DPX डाल के और प्रॉपरली इसको क्या कर दिया है हम लोगों ने,
कवर्ड कर दिया है और अच्छी तरीके से इसके अंदर आप लोगों को नीडल की सहायता से हम लोगों ने फोर क्या कर दिया है इसके अंदर आप लोगों को, ये पर्टिकुलर इसके अंदर हम लोगों ने कवर स्लिप वगैरह लगा दी है। ठीक है, तो कवर स्लिप लगाने के बाद में इसके अंदर जनरली कवर स्लिप लगा दी है। ठीक है, कवर स्लिप को अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली लगाना पड़ेगा, नहीं तो एयर बबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो प्रॉपरली हम लोगों ने इस तरीके से ये तैयार कर दिया है, आप लोगों को अभी दिख जाएगा। ये देखो, ये प्रॉपरली लगा के और ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है और कवर स्लिप लगा दी गई है इसके ऊपर DPX डाल के। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे हम लोग प्रॉपरली। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है हमारा। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसके अंदर प्रॉपरली इसके लेंस है जो वगैरह इसको प्रॉपरली अरेंजमेंट करेंगे। ये हमारी जो स्लाइड वगैरह है, ठीक है, जो स्लाइड वगैरह हम लोगों ने बनाई है इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, इसके अंदर अरेंजमेंट वगैरह करेंगे और फिर इसको प्रॉपरली देख लेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट करने का भी इसका तरीका वगैरह होता है, प्रॉपरली इसको इस तरीके से हम लोगों को अरेंजमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट करके और हम लोग लाइट शॉट्स की तरफ लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके और फिर बाद में इसको प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हल्का सा लाइट शॉट ज़्यादा आ रहा है इधर के साइड के अंदर, तो इस तरीके से हम लोगों को प्रॉपरली ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट करके और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली इस तरीके से ये सेट करके और जो ये नीचे वाला जो आप लोगों का ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस पार्ट वगैरह इसको क्या करोगे, इस तरीके से लाइट वे सेट कर देने। ठीक है, इस तरीके से सेट करके और इसको प्रॉपरली अरेंजमेंट करके और फिर बाद में इसके अंदर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, तो हम लोग फिर उसके बाद में देखेंगे। इस तरीके से ये क्लियर संरचना वगैरह स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर। ये देखिए, ये क्लियरली रेड सी हल्की सी दिख रही होगी इसके अंदर। प्रॉपरली क्लियर पॉइंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से हम लोगों को ये प्रॉपरली स्लाइड वगैरह बनानी है, आप लोगों के ये पार्ट वगैरह अलग से, ये सारी चीज़ें एल्गोल सीरीज वगैरह चलेगी। इस तरीके से हम लोग सारे प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों की और भी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के म्यूजियम में स्पेसिमेंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये अपना वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो लाइक करें, शेयर करें, आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।